हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे मिक्स वेज पुलाव। पुलाव बनाने के लिए 150 ग्राम कच्चे आलू साफ पानी से धो के छील के काट लेंगे और काटने के बाद आलूओं को पानी में डिप करके रख देंगे। पानी में डिप करने से आलू काले नहीं पड़ेंगे। एक गाजर, गाजर को साफ पानी से धो के छील लेंगे और काट लेंगे। वजन में 80 ग्राम गाजर है। 80 ग्राम फ्रेंच बीन्स, बीन्स को भी साफ पानी से धो के काट लेंगे। 120 ग्राम टमाटर साफ पानी से धो के काट लेंगे बारीक। 130 ग्राम प्याज छील के लंबाई में काट लेंगे। 3 हरी मिर्च बारीक काट लेंगे या लंबाई में चीर लेंगे। एक कटोरी बासमती चावल, वजन में 234 ग्राम चावल है। चावलों को 2-3 बार साफ पानी से धो लेंगे। इस पानी को निकाल देंगे, पानी को फेंक देंगे, चावलों को और 2 बार साफ पानी से धो लेंगे। 2 गिलास पानी डालेंगे, चावलों को 15 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। कुकर को मीडियम फ्लेम पे हल्का गर्म करेंगे। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल को हल्का धुआं निकलने तक गर्म होने देंगे। तेल में से धुआं निकलने लगा है, गैस फ्लेम बंद करेंगे और तेल को हल्का ठंडा होने देंगे। तेल हल्का ठंडा हो गया है, गैस फ्लेम ऑन कर देंगे, मीडियम पे रखेंगे। इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 लौंग, 10 दाने काली मिर्च के, दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची। इलायची को मैंने इस तरह से बीच में से तोड़ लिया है। 3 तेज़पत्ते, खड़े मसाले गरम तेल में डालेंगे। जीरे को चटकने देंगे। जीरा चटक गया है। कटी हुई प्याज और हरी मिर्ची डालेंगे। हरी मिर्च को मैंने इस तरह से बीच में से कट लगा लिया है। प्याज को भून लेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। प्याज भून गए हैं, प्याज का हल्का कलर चेंज हो गया है, प्याज सॉफ्ट हो गए हैं। कटे हुए टमाटर डालेंगे, आलू डालेंगे पानी में से निकाल के। कटी हुई सब्जियां डालेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, देगी मिर्च ली है मैंने, ये तीखी कम होती है, 2 छोटी चम्मच पिसा धनिया, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, मैंने 1.5 छोटी चम्मच नमक डाला है। चला देंगे, पानी डालेंगे थोड़ा सा मसाले को भूनने के लिए। मसाले को चला देंगे, मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक मसाला साइडों से तेल ना छोड़ दे, और बीच बीच में चलाते रहेंगे। गैस फ्लेम आप ज़रूरत अनुसार रख सकते हैं। मसाला भून गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। 15 मिनट हो गए हैं चावलों को भिगोए हुए। इस पानी को निकाल देंगे। इस पानी को फेंक देंगे। भीगे हुए चावल मसाले में डालेंगे। जिस कटोरी से चावल लिए थे उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी लेंगे। 1 कटोरी चावल के लिए 2 कटोरी पानी लेना है। हल्के हाथ से चला देंगे। 250 ग्राम पनीर, पनीर को मैंने छोटे टुकड़ों में काटा है, पनीर भी डाल देंगे। चलाएंगे हल्के हाथ से। कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और फुल फ्लेम पे 2 सीटी आने तक पुलाव को पकाएंगे। कुकर में फुल फ्लेम पे 2 सीटी आ गई हैं, गैस फ्लेम बंद कर दी है मैंने। कुकर का प्रेशर अपने आप रिलीज होने देंगे, उसके बाद कुकर खोलेंगे। 15 मिनट हो गए हैं कुकर का प्रेशर रिलीज़ हुए। 15 मिनट बाद कुकर खोल रही हूँ मैं। पुलाव को चला देंगे, पलटे को साइड में लेके जाएंगे इस तरह से और पलट देंगे। पुलाव को आप रायते के साथ खा सकते हैं। रायते की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको मिक्स वेज पुलाव की ये रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।